नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। पूत कपूत सुने हैं पर न माता सुने को माता, ये एक लाइन जैसे सब कुछ कहने समझने के लिए काफी है। माँ ऐसी ही होती है। दुनिया में किसी के भी मन में एक बार आपके लिए नकारात्मक विचार आ सकता है, परंतु माँ ऐसी होती है जिसके मन में हमेशा आपकी चिंता, आपके लिए आशीर्वाद और आपकी तरक्की, आपकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना होगी। लेकिन क्या बच्चों के मन में भी ऐसा ही होता है? क्या कभी अपनी माँ को लेकर नकारात्मक नहीं सोचते आप? नफा नुकसान नहीं देखते? छोड़िए, आज की यह घटना आपको जवाब दे ही देगी। माना कि सब ऐसे नहीं होते, लेकिन अलवर में कलयुगी बेटों की शर्मनाक हरकत सबके सामने आ गई है। जमीन बंटवारे के लिए बेटों ने अपने ही माता पिता की पिटाई कर डाली। इतना ही नहीं, दोनों बेटों ने माँ के तो हथौड़े से पैर तक तोड़ डाले। इसके बाद माँ बाप घर के आंगन में तड़पते रहे। आसपास के लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो इन्हें लेकर जिला हॉस्पिटल पहुंचे, जहां दोनों का इलाज जारी है। मामला जिले के बेबीरानी खेड़ा गांव में सुबह करीब 5:30 बजे का है। बताया जाता है कि बेटे दिलीप और हितेंद्र ने हथौड़े से इतने वार किए कि माँ के पैर लटकने लगे थे। इधर घटना के बाद से दोनों बेटे अपने परिवार के साथ फरार हैं। बताया ये जा रहा है कि बीबीरानी थाने में मारपीट की शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक मामला दर्ज ही नहीं हुआ। बीबीरानी खेड़ा गांव निवासी 60 साल के बुजुर्ग उदयचंद जाटव और 55 साल की उनकी पत्नी राजबाला के 3 बेटे हितेंद्र, दिलीप, परविंदर और 3 बेटियां लक्ष्मी, मधु और बीना है। सबसे बड़ा बेटा हितेंद्र और दिलीप साथ ही रहते हैं, जबकि सबसे छोटा बेटा परविंदर अलग रहता है। बुजुर्ग दंपति की बेटी बीना कुमारी ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे मां राजबाला चाय बना रही थी और इसी दौरान दोनों भाई जमीन बंटवारे को लेकर बहस करने लगे। इस दौरान पिता ने भी समझाइश की तो वे उन्हें भी ताना मारने लगे। इसके बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों ने मां के पैर पर हथौड़े से वार कर दिया। इतना ही नहीं, बीच बचाव में आए पिता की भी लातों और घूंसों से कई बार पिटाई की। बहन मीना कुमारी ने आरोप लगाया कि जब दोनों भाई मां बाप की पिटाई कर रहे थे तो पोतों ने भी उनका ही साथ दिया और उन्होंने भी हाथापाई कर डाली। हथौड़े से इतने वार किए कि मां के पैर टूट कर लटक गए और खून बहने लगा। इस मारपीट में मां का हाथ भी टूट गया। उदयचंद की सबसे छोटी बेटी बीना कुमारी कहती है कि मां बाप खेती करते हैं और इनके पास 8 बीघा जमीन है। दोनों बेटे हितेंद्र और दिलीप फर्जी तरीके से पहले ही 4 बीघा जमीन अपने नाम करवा चुके हैं। अब ये चाहते हैं कि बाकी बची 4 बीघा जमीन भी उनके नाम हो जाए, और इसी बात को लेकर मां बाप से विवाद होता रहता था। इसी बात को लेकर पहले भी झगड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, जमीन विवाद में पहले भी दोनों भाई मां बाप की पिटाई तक कर चुके हैं, लेकिन मंगलवार को हुए विवाद ने हद पार कर दी। 6 भाई बहन हैं, सबके पिता ने अच्छे से शादी की है। हितेंद्र और दिलीप ने जब माता पिता की पहले भी पिटाई की तो वो थाने गए। पहले भी 4 बार शिकायत कर चुके थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 25 जून रविवार को भी इन लोगों ने मारपीट की तो अगले दिन सोमवार को पिता ने थाने में शिकायत दी थी, और इसके बाद भी पुलिस ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। और पुलिस के इसी रवैये से शायद इन कलयुगी बेटों का हौसला और बढ़ गया और इतनी बड़ी वारदात को इन्होंने अंजाम दे दिया। अब इनका हश्र क्या होना चाहिए, ये आप पर और कानून पर छोड़ते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।